फोर्थ पार्ट वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2. नाउ इन दिस पार्ट यू कैन यूज द आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. विच आइडेंटिटी इट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, एक्स क्या है? एक्स इज वाई स्क्वायर. ओके, वाई इज 3/2. ठीक है, अब बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है. नेम लिखना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी विल गेट वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू वॉट? इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स इज वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर. दिस विल बिकम, अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे. कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट? वो होता था ए की पावर एम है अगर और होल पावर एन है तो ये हो जाता था ए एम इंटू एन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई टू इंटू टू दैट इज 4 हो जाएगा यहाँ पे. और 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/2 का होल स्क्वायर. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 square upon 2 का स्क्वायर. तो आ जाएगा 3 square is 9, 3 into 3 is 9 एंड 2 into 2 is 4. तो यहाँ पे लिखेंगे 9/4. ओके, ये फर्दर आ जाएगा वाई की पावर 4 माइनस 9/4. इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट फॉर द फोर्थ पार्ट. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट आइडेंटिटी यूज करी थी. सो मेन हमारा इस क्वेश्चन में यही फोकस रहेगा कि हमें आइडेंटिटी कौन सी चूज करनी है. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसलिए मैंने ये वाली यूज करके इसको सॉल्व कर दिया. फिफ्थ पार्ट इज 3 - 2x इंटू 3 + 2x. अगेन यहाँ पे हम x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाली यूज कर सकते हैं. x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, x माइनस वाई को बाद में लिखो या पहले लिखो, इट डजेंट मैटर्स, आइडेंटिटी यही रहेगी. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आएगा. ओके, तो अब यहाँ पे x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 2x. ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग लिख दो बिकॉज वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी. तो आ जाएगा 3 - 2x इंटू 3 + 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 square माइनस y स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर. 3 square is 9 एंड 2x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x into 2x. 2 into 2 is 4 एंड x into x, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज, x की पावर 2, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो यहाँ आ जाएगा -4x की पावर 2. तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. ओके, तो ये फिफ्थ पार्ट था. विद दिस पार्ट वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5.